And we now take you live to Gandhi Smriti 30 January Marg, where a commemorative function is being organized to mark Gandhi Jayanti. Prime Minister Narendra Modi has just arrived there at the venue. It's also the Swachh Bharat Divas today to mark 2 years of the completion of the Swachh Bharat campaign. The aim is to make India totally clean by 2019. Sabita Pa.
रुद्र विष्णु तू राम कृष्ण।
महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम
शपथ दिव्य राम नाम काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम काशी मरत मुक्त करत कहत राम जा रही
This is a Tagore song in Bengali. Thank you.
वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराए जाने रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराए जाने रे पर दुखे उपकार करे मन निश्चल राखे धन धन जन
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा हो।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 147वीं जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर उनके बलिदान स्थल गांधी स्मृति के इस प्रांगण में विशेष सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सभी धर्म गुरुओं से भेंट करते हुए। आज के इस कार्यक्रम में धार्मिक ग्रंथों से प्रार्थना का एक क्रम चला, जिसमें बौद्ध, ईसाई, पारसी, बहाई, यहूदी धर्म, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब से पाठ, जैन प्रार्थना, शबद कीर्तन और साथ ही गीता पाठ का आयोजन किया गया। भक्ति संगीत और रामधुन अभी आप सुन रहे थे श्रीमती कौशिकी चक्रवर्ती से। बापू को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके दिखाए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हम चलें। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती कौशिकी चक्रवर्ती, जिन्होंने अभी भक्ति संगीत और रामधुन प्रस्तुत किया, उनसे बात करते हुए। बापू के विषय में हम जानते हैं कि वो प्रतिदिन प्रार्थना सभा में आकर ईश्वर को याद किया करते थे, ईश्वर की स्तुति किया करते थे और यही कहा करते थे कि स्वराज अगर हमें चाहिए तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनका भी यही सपना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि अगर बापू को कुछ हो सकती है तो वो है उन्हें हम स्वच्छ भारत दें, जो स्वयं बापू का सपना था। और बापू ने कहा भी है, मन का मैल शरीर की मैल से भयंकर है, लेकिन शरीर का मैल भीतरी मैल की निशानी होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यही संदेश देते आ रहे हैं कि भारत को स्वच्छ करने में, बापू के सपने को पूरा करने में प्रत्येक भारतवासी को श्रमदान करना चाहिए। सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता है, अंतर से ही मिलता है, ये कहना रहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, जिनकी आज 147वीं जयंती, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जिसका आयोजन आज गांधी स्मृति के बलिदान स्थल के प्रांगण में किया गया। यहाँ हम देख सकते हैं उपस्थित जनमानस में उत्साह, प्रधानमंत्री से बात करने की इच्छा और विशेषकर बच्चों की यहाँ बात की जाए तो महात्मा गांधी का यही कहना था कि सत्य और अहिंसा अगर हम चाहते हैं कि लोगों में उसका बीजारोपण हो तो उसकी शुरुआत, उसका आरंभ बाल्यकाल से ही करना होगा। इसलिए बच्चों को अगर हम बापू के दिखाए रास्ते पर लेकर चलें, अग्रसर करें, तो सही मायने में बापू की जो संकल्पना थी स्वराज की, उसे हम प्राप्त कर पाएंगे, जिसे पूरे विश्व ने माना है कि अगर महात्मा गांधी के बताए पदचिन्हों पर हम चलें तो निसंदेह जीवन को दिशा दे सकते हैं। गांधी स्मृति में उपस्थित जनमानस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए, साथ में संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश, बापू एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरे देश का आचरण ही बदल डाला, इतिहास की दिशा उलट दी और बदल डाला साम्राज्य का भविष्य भी। आज यहां जनमानस उमड़ा, देश भर से लोग यहां एकत्रित हुए बापू को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए।